नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 29 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं भाई दूज की मान्यताएं। भाई दूज का पर्व दिवाली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल भाई दूज का इतिहास यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा हुआ है। यमराज हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर जाते थे। वह उनको तिलक लगाकर भोजन कराती थी। यमराज ने अपनी बहन को एक वरदान दिया था, जिसके कारण हर वर्ष भैया दूज का यह पर्व मनाया जाता है। जदयू ने 4 नए जिलों के अध्यक्ष का किया ऐलान। विधानसभा 2020 के पहले जदयू ने अपना नया कार्यकारिणी घोषित किया है। जनता दल यूनाइटेड की नई कार्यकारिणी का ऐलान करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने 4 जिलों के लिए जिलाध्यक्ष के नामों की भी घोषणा कर दी है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने सोनेलाल मेहता को खगड़िया, दामोदर रावत को जमुई, सलमान रागिब को नवादा एवं राकेश कुमार उर्फ पुतुल को आरा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिवाली की आतिशबाजी के बाद एयर क्वालिटी में आई गिरावट। दिवाली के मौके पर हर तरफ दिए की रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन दिवाली के दिन पटाखों से आसमान में धुआं छाया रहा। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि पटाखे की आवाज से ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। पटाखों से उत्पन्न हुए धुएं से हवा का स्तर गिर गया है। तेज प्रताप यादव का नया लुक आया सामने। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपने लुक्स के लिए चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी शिव के रूप में तो कभी कृष्ण बनकर मीडिया में रूबरू होते रहते हैं। अब तेज प्रताप यादव का एक और नया लुक सामने आया है। गोवर्धन पूजा के लिए तेज प्रताप यादव लंबे बालों के साथ पीले गमछे में वृंदावन पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। 9वीं में एडमिशन के लिए नवोदय विद्यालय में 10 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 2020-21 सत्र में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं कक्षा के लिए खाली सीटों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पढ़ रहे छात्र इसके लिए 10 दिसंबर तक www.navoday.gov.in/nvs-admission-class9.in पर जाकर निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी को ली जाएगी। मांझी अब झारखंड में आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को बिहार की जनता से मिली हार के बाद अब झारखंड में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े हैं। बिहार शरीफ में एक शादी समारोह में पहुंचे मांझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हम और AJSU एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। बक्सर जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर घूमने जाएं। बक्सर जाने वाले लोग इन स्थलों का भ्रमण करना ना भूले। कटोली का मैदान, बक्सर का जिला, सीताराम उपाध्याय म्यूजियम, चौसा का युद्ध का मैदान जरूर घूमने जाएं। इसके अलावा इन धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी जरूर करें। बिहार जी का मंदिर, नौलखा मंदिर, ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 2 घंटे का सफर करना होगा। वहीं खुद की गाड़ी से जाने वाले लोगों को 4-5 घंटे का सफर करना होगा। जनसाधारण एक्सप्रेस सजेगी सरदार पटेल के योगदान की थीम वाली पेंटिंग से। भारतीय रेलवे ने लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन दर्शन से लोगों को जोड़ने की नई पहल शुरू की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर मुजफ्फरपुर अहमदाबाद मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 1526915270 जनसाधारण एक्सप्रेस की बोगियां अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी पेंटिंग से सजाई जाएंगी। 1 नवंबर से पटना जिले के बैंकों की सेवा में हो सकता है बदलाव। DLCC की तिमाही बैठक में 1 नवंबर से पटना जिले के बैंकों की सेवाओं में कई बदलाव करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 1 तारीख से पटना के सार्वजनिक सहकारी और निजी बैंकों में ग्राहक सेवा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही उपलब्ध होगी। ज्ञात हो कि महावित्त मंत्रालय की बैंकिंग डिवीजन ने बैंकों के खुलने के समय में एकरूपता लाने के लिए निर्देश दिया था। आपको बता दें, पटना जिले में कुल मिलाकर 912 शाखाएं हैं। विदेशी पर्यटकों ने बोधगया में बच्चों संग मनाई अपनी दिवाली। दीपावली के शुभ अवसर पर समूचे भारत में जमकर आतिशबाजियां हुई। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशियों ने भी जमकर दिवाली मनाई। ऐसा ही कुछ मंजर बोधगया में देखने को मिला। दिवाली की रात बोधगया के टीका बिघा में विदेशी संस्थान सिद्धार्थ कॉरपोरेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में कनाडा से पहली बार बोधगया आए सैलानियों ने स्कूली बच्चों के साथ दीपावली मनाई। साथ ही साथ बच्चों के बीच ढेर सारी मिठाइयां भी बांटी। चिराग पासवान जल्द संभाल सकते हैं लोजपा की कमान। प्रिंस राज को बिहार की कमान सौंपने के बाद जल्द ही अब चिराग को लोजपा की कमान सौंपी जा सकती है। खबरों के अनुसार लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर चिराग पासवान को पार्टी अध्यक्ष पद की कमान सौंपने का ऐलान कर सकते हैं। वहीं नवनियुक्त सांसद प्रिंस राज को रामविलास पासवान ने अपने ट्वीट के जरिए उनके संसदीय जीवन की शुरुआत की ढेरों शुभकामनाएं भी दी। 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगा स्टडी लीव। CBSE ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को इस साल कोई स्टडी लीव नहीं दिया है। बोर्ड ने बिहार के सभी जिलों को इस बात की जानकारी दे दी है। प्रैक्टिकल एग्जाम के तुरंत बाद ही थ्योरी पेपर का एग्जाम लिया जाएगा। आपको बता दें, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होने हैं। वहीं 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा, जिसके कारण परीक्षार्थियों को एक भी दिन की स्टडी लीव नहीं मिल पाएगी।
खेसारी लाल यादव की हुई बिग बॉस में एंट्री। बिग बॉस के 13वें सीजन में कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने लगी है। वीकेंड के वार के पहले दो कंटेस्टेंट के नामों की घोषणा हो चुकी थी, जिसमें हिंदुस्तानी भाऊ विकास पाठक और तहसीन पूनावाला नाम शामिल था। वहीं दूसरे दिन भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार खेसारी लाल के नाम की घोषणा की गई। आपको बता दें, इस वीक खेसारी लाल की एंट्री बिग बॉस हाउस में करवाई जाएगी। ईडन गार्डन से पहले डे एंड नाइट टेस्ट मैच करवाना चाहता है बीसीसीआई। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत का पहला डे एंड नाइट टेस्ट मैच होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीसीबी के क्रिकेट ऑपरेशन चेयरमैन अकरम खान ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि बीसीसीआई ने हमें डे एंड नाइट टेस्ट मैच करवाने का प्रस्ताव दिया है और हम इस पर चर्चा करने के बाद उन्हें बता देंगे। हालांकि बीसीसीआई भारत का पहला डे एंड नाइट टेस्ट मैच ईडन गार्डन से ही करवाना चाहता है। बिहार के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी दिवाली मनाने पहुंचे अपने घर। बिहार के पंकज त्रिपाठी इन दिनों बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के लिए काफी मशहूर चेहरों में से एक है। पंकज त्रिपाठी के लिए यह साल भी काफी व्यस्त साल चल रहा है, लेकिन पंकज त्रिपाठी को जैसे ही दीपावली पर थोड़ा सा वक्त मिला, उन्होंने अपने माता पिता के साथ बिहार स्थित गोपालगंज में दिवाली मनाने का प्लान किया और वह बिहार पहुंच गए। हालांकि अगले ही दिन वो वापस शूट के लिए रवाना हो गए। बिहार पहुंचकर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें अपने गांव आना बहुत ज्यादा ही पसंद है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में धूप के साथ साथ बादलों का आना जाना लगा रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को नवंबर से पहले शिक्षक बहाली के दिए आदेश। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए यूजीसी ने बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रियाओं को 10 नवंबर से पहले शुरू करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, लिखे गए पत्र में कहा गया है कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी चिंता का विषय है और इसका समाधान जल्द से जल्द निकालने की जरूरत है। निर्देश मिलने के बावजूद जमीनों की रजिस्ट्री करवाने में हो रही तकलीफ। मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में जमीनों की रजिस्ट्री शुरू नहीं की गई है, जबकि न्यायालय ने जमीनों की रजिस्ट्री का आदेश बहुत पहले ही दे दिया था। निबंधन विभाग ने अगले आदेश तक भूमि निबंधन के लिए जमाबंदी की अनिवार्यता स्थगित कर दी थी। इसके पूर्व 10 अक्टूबर को सरकार द्वारा जमीन निबंधन के लिए पैतृक संपत्ति बंटवारा करने और विक्रेता के नाम से जमीन होना अनिवार्य कर दिया था। इसी कारण जमीनों की रजिस्ट्री बंद हो गई थी। ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं के मद्देनजर समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। दरअसल मुख्यमंत्री ग्रामीण कार्य विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने RWD के अधीन बनकर सड़कों और आगे बनने वाली सड़कों के साथ साथ मेंटेनेंस पॉलिसी के बारे में भी सारी जानकारियां ली। दिवाली के बाद अब छठ की तैयारियां शुरू। दिवाली के बाद अब छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है। छठ का यह महापर्व 31 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा। पूजा के मद्देनजर बाजारों में भी अब हलचल दिखाई देने लगी। छठ में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं शहर में जगह जगह मिल रही हैं। इसके अलावा मिट्टी के चूल्हे और सूप डलिया भी बाजार में मिलने लगे हैं, मगर इस साल सूप डलिया समेत अन्य सामानों की कीमत में 10 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। परिवहन विभाग ने सरकारी गाड़ियों के ड्राइवरों के प्रशिक्षण को लेकर कही ये बात। परिवहन विभाग के एक पत्र के अनुसार बिहार में सरकारी गाड़ी के ड्राइवर ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझते। उनमें से कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जिन्हें सीट बेल्ट बांधने का भी पता नहीं है। ऐसे ड्राइवरों के लिए विभाग के प्रधान सचिवों और मंत्रियों को पत्र भेजा गया है। आपको बता दें, परिवहन विभाग ने पिछले महीने की 17-18 तारीख को सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। उस दौरान ड्राइवरों में पाई गई कमियों की एक सूची बनाई गई थी। यहां तक कि कई गाड़ियों में जरूरी कागजात तक मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी दिल्ली में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जदयू के अध्यक्ष पद का पदभार संभालने के लिए तैयार हैं। आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के रफीगंज मार्ग स्थित मावलंकर हॉल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ताजपोशी होगी। या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक और कार्यकाल के लिए बतौर अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसकी घोषणा जनता दल यूनाइटेड ने 6 अक्टूबर को कर दी थी। श्याम रजक ने अपनी हार पर दिया बयान। जनता दल यूनाइटेड के नेता श्याम रजक ने कहा कि बैठक में पार्टी की नीतियों और उद्देश्य पर हमेशा चर्चा होती है। 2-4 सीटों पर जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बयान को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा कि जदयू एक राजनीतिक दल है, हम हर तत्कालिक मुद्दे पर बात करके समाधान निकालेंगे। सृष्टि करेंगी सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार का प्रतिनिधित्व। बिहार के पूर्णिया की सृष्टि अंडर 13 सब जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। सृष्टि काफी पहले से ही बैडमिंटन की खिलाड़ी बनना चाहती थी और इतनी कम उम्र में वो इस मुकाम पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें, पूर्णिया की सृष्टि का तीसरी बार नेशनल बैडमिंटन में चयन हुआ है। ज्ञात हो 6 से 10 नवंबर भागलपुर में अंडर 13 सब जूनियर बैडमिंटन का मुकाबला होना है।
सुधा श्रीवास्तव के पुत्र फिर लौटे जदयू के साथ। पूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव के पुत्र और जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव एक बार फिर जदयू में लौट आए हैं। आरसीपी सिंह और संजय गांधी ने उन्हें जदयू की सदस्यता दिलवाई, जिसके पश्चात पंचम एमएलसी ललन सराफ के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। पंचम के पार्टी में दोबारा वापसी से जदयू के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ढेर सारी बधाई भी दी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।